जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज 24/7 में। और आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो एप्लीकेशन यहाँ पर आपके लिए लॉन्च किया गया है ग्राम पंचायत के लिए, जिसका नाम है ई ग्राम स्वराज। हम उसको डाउनलोड करने और उसको किस प्रकार से यूज करना है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले सर्च मारते हैं ई ग्राम स्वराज के हिसाब से। तो यहाँ पर जितने भी आप सर्च टैग यहाँ पर देख सकते हैं, इतने प्रकार से मैंने सर्च मारा लेकिन ये एप्लीकेशन मेरे को नहीं मिला। अभी मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ, क्योंकि अभी ये नया एप्लीकेशन है तो कम डाउनलोड होने के कारण अभी आपको ये इतनी जल्दी सर्च होके नहीं मिल रहा है। तो चलिए इस प्रकार से आपको करना है सर्च। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार यहाँ पर आएगा। अभी इतना फेमस नहीं हुआ है और ज़्यादा बार अभी डाउनलोड भी नहीं हुआ, क्योंकि आज ही इसको लॉन्च किया गया है। तो चलिए अब इसको करते हैं इंस्टॉल। ये देखिए, ये है ये ऐप मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये इसका लोगो है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, 24 अप्रैल को इसको आपका अपडेट किया गया है और 30 अप्रैल को ये आपका जो एप्लीकेशन है ये बना था। 10K के आसपास इसके डाउनलोड्स अभी हुए हैं, इससे ज़्यादा भी डाउनलोड्स नहीं हैं। और अभी ये ऐप प्रोग्रेसिंग में है, लेकिन चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या अवेलेबल हो चुका है अभी तक। तो चलिए सबसे पहले हमें आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर राज्य भरना है, जिला पंचायत भरनी है, उसके बाद ब्लॉक पंचायत और उसके बाद आपको भरना है ग्राम पंचायत। तो ये सारे के सारे कॉलम भरते हैं। चलिए पहले में भरते हैं आपका राज्य, राज्य में कोई भी राज्य भरेंगे, लाइक मैंने उत्तर प्रदेश भर लिया। इसके बाद जिला पंचायत भरनी है, जिला पंचायत भरते हैं। चलिए जिला पंचायत हो गई। इसके बाद आपको भरनी है क्षेत्र पंचायत, यानी कि ब्लॉक पटियाली हो गया। इसके बाद आपको भरना है ग्राम पंचायत, किसी भी ग्राम पंचायत को आप यहाँ पर भर सकते हैं। इस प्रकार से भरने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सबमिट, यहाँ पर करना है आपको क्लिक। और ये देखिए यहाँ पर तीन प्रकार से आपकी डिटेल्स आएगी, फाइनेंशियल प्रोग्रेस क्या है और जो अप्रूव्ड एक्टिविटीज़ हैं जिनको लिए रुपया आ चुका है वो क्या है। इसके अलावा हर साल का आपका जो बजट आता है वो अलग अलग आता है, आपको पता होगा शायद। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइनेंशियल ईयर है 2020-21। चलिए इसको सेट करते हैं 19-20 का। और अब चलिए चलते हैं अप्रूव्ड एक्टिविटीज़ पे करेंगे क्लिक। इस प्रकार से अप्रूव्ड एक्टिविटीज़ पे क्लिक करते हैं और ये देखिए डेटा लोड हो रहा है। और डेटा लोड होते ही आपके सामने सारा कुछ होगा, कितना रुपया आया है, किस लिए आया है। इंटरनेट यहाँ पर स्लो है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2019-20 का रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद है। और ग्राम पंचायत ये देखिए इस प्रकार से आपका दिखाई दे रहा है, थाना दरियावगंज। और यहाँ पर ये है टोटल वर्क्स, कितने काम हुए हैं, तो 211 काम हो चुके हैं और यहाँ पर दिखा रहा है कि 41 काम हो रहे हैं। अब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ये आपकी जिम्मेदारी में, जिससे कोई मतलब नहीं। और ये है फ़ंड एलोकेट, कितना फ़ंड आया था 19-20 में आपको देख सकते हैं यहाँ पर, और 3,95,47,003 रुपये यहाँ पर 19-20 के लिए आपके अलॉट किए गए थे थाना दरियागंज की ग्राम पंचायत के लिए। चलिए अब देखते हैं इसको कहाँ कहाँ लगाया गया और कैसे लगाया गया था। देखिए आप लोड होकर सारा डेटा भी आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से इंटरफेस सारा आ चुका है और ये पूरी लिस्ट है उन कामों की जिनके लिए यहाँ पर रुपया जारी किया गया था। देखिए यहाँ पर 211 काम आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 211 काम आपको दिखा रहा है पूरे। आप देखते हैं कितना कितना रुपया आपको यहाँ पर देखना है, किस प्रकार से कितना रुपया आया और किस प्रकार से इसको कंप्लीट किया गया कार्य को। चलिए देखते हैं, पहला है आपका कार्य पर संपत्ति रख रखाव, और इसके लिए आपका जो रुपया आया था वो मनरेगा के तहत 1,00,000 रुपया यहाँ पर आया था। देखिए टोटल कॉस्ट यहाँ पर आती है कितना रुपया आया है, स्कीम आपकी क्या थी, किस तरह से ये काम हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मनरेगा ये इसके तहत आया हुआ है। स्कीम का नेम ये है और स्कीम की कंपनी का नेम और ये वगैरह वगैरह यहाँ पर कंपोनेंट का नेम दे रखा है। फोकस एरिया किस पे था इस काम के लिए, तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए, ठीक है, पब्लिक वर्क्स था यहाँ पर। तो ये है, अब चलिए दूसरा काम देखते हैं किस लिए आया था। इंटरलॉकिंग यहाँ पर दिखा रहा है काम हुआ है, इंटरलॉकिंग सीसी या खड़ंजा या मिट्टी और नाली निर्माण का निर्माण कार्य हुआ है। और इसका जो रेफरेंस नंबर है एक्टिविटी कोड वो ये है। और इसके अलावा आगे आप देखेंगे तो एक्टिविटी टाइप किस काम के लिए ये आया है, यह है पब्लिक वर्क्स के लिए। इसमें क्या फोकस किया गया था, रोड्स पे
तो रोड्स को यहाँ पर देख सकते हैं मनरेगा के तहत किया गया है ये कार्य भी, और इसके लिए 5 लाख की आपकी जो कॉस्ट आई थी और उसको अलॉट किया गया था और ये काम पूरा हो चुका है। तो इस प्रकार से लगभग 3.5 जो आपका करोड़ रुपया है कितना था अभी उतना रुपया अलॉट किया गया था। तो ये देखते हैं इतना रुपया आपका अलॉट होता है कितना लगता है नहीं लगता ये बात की बात है। तो यही जानकारी के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो डाउनलोड कर लीजिए और देखिए कि आपकी ग्राम पंचायत में कितना काम हो रहा है और कितना रुपया ऊपर से आ रहा है। और किसी प्रकार की समस्या हो इस एप्लीकेशन को यूज करने में तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।